नितेश तिवारी ने जब से अपनी फिल्म रामायण अनाउंस की है, इसका तगड़ा माहौल बन गया है। इसमें दो बहुत बड़े सुपरस्टार साथ आ रहे हैं। केजीएफ के बाद यश का किसी प्रोजेक्ट से जुड़ना उसे अपने आप में बड़ा बना देता है। एनिमल के बाद रणवीर कपूर की पॉपुलैरिटी में शर्तिया इजाफा होगा। फिल्म में साई पल्लवी भी है। अब खबर आ रही है कि इसमें सनी देओल से भी हनुमान का रोल करने के लिए बातचीत चल रही है। पिंक विला ने एक रिपोर्ट में छापी है जिसमें बताया गया है कि नितेश तिवारी की टीम सनी देओल से शुरुआती दौर की बातचीत में है। नितेश चाहते हैं कि सनी देओल हनुमान का रोल करें। पिंक विला ने एक सोर्स के हवाले से लिखा है कि हनुमान शक्ति के प्रतीक हैं और बजरंगबली के किरदार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में सनी से बेहतर अभिनेता कोई भी नहीं मिलेगा। सनी देओल ने रामायण में काम करने की रुचि भी दिखाई है। प्राथमिक तौर पर जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सनी हनुमान का रोल भी निभाने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि अभी रामायण की टीम और सनी देओल के बीच चर्चा का शुरुआती दौर ही है, इसलिए कुछ फाइनल कहा नहीं जा सकता है। अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नितेश तिवारी सनी देओल को लेकर बजरंग बली की एक अलग फिल्म बनाना चाहते हैं। रामायण पर बन रही तीन फिल्में हनुमान के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। उनकी कहानी के कई दूसरे पहलू भी हैं। इन्हीं पहलुओं को नितेश एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चूंकि सनी को लेकर हनुमान के किरदार पर एक अलग फिल्म बनाने की बात चल रही है, इसलिए सनी नितेश के ऑफर पर विचार कर रहे हैं। रणवीर कपूर फिल्म में राम का रोल निभा रहे हैं। साई पल्लवी सीता का किरदार निभाएंगी। पहले ये रोल आलिया भट्ट करने वाली थी। ये श्रावण के रोल में दिखेंगे। पिंक पिला की रिपोर्ट के मुताबिक साई और रणवीर फरवरी 2024 के आसपास फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। रामायण ट्रिलजी का पहला पार्ट ज्यादा राम और सीता की कहानी पर फोकस करेगा। ये सीता हरण पर जाकर खत्म हो सकता है। रणवीर और साई इसी पार्ट के लिए अगले साल फरवरी से अगस्त तक इसकी शूटिंग करेंगे। यश अपना पार्ट जुलाई 2024 के आसपास शूट करेंगे। इसके लिए यश ने अपना 15 दिनों का टाइम दिया हुआ है। चूंकि पहला पार्ट राम और सीता की कहानी पर फोकस करेगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यश का बहुत ज्यादा रोल पहली किश्त में होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी यश का ठीक ठाक रोल ही होगा, लेकिन रावण का किरदार दूसरे पार्ट में कहानी पर ज्यादा हावी रहेगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अनुभव ने। कैमरे के पीछे है मेरे साथी जतिन। मैं हूं मनीषा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।